रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त विटामिन सी से भरपूर एनर्जेटिक, बच्चों के लिए ख़ास तौर से बहुत ही ज़बरदस्त कपकेक्स, ऑरेंज कपकेक्स। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप पाउडर शुगर और ये बटर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून फुल, और 2 टेबल स्पून बल्कि 3 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी। कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल ले लें और इनको अच्छी तरह विस्क की मदद से मिक्स कर लें, बिल्कुल एक जैसा यकजान कर लें इनको। और फिर हम इसमें 2 अंडे शामिल करेंगे, एक एक करके अंडा शामिल करेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करते रहेंगे और इसमें हम दूसरी चीज़ें फिर ऐड करेंगे। इसमें मैं डालूंगी 1.5 कप मैदा यानी 1.5 कप, और इसमें 1 कप मैदा मैं पहले छान लूंगी, फिर 1.5 कप मैदा जो रह जाएगा उस पर मैं 1 टेबल स्पून में डालूंगी बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, और 1 पिंच आप नमक भी इसमें शामिल कर दें। 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 पिंच और इसको सॉल्ट, और इसको हम फोल्ड कर लेंगे। इस स्पैचुला की मदद से फोल्ड करेंगे। अब मैंने ये 2 ऑरेंजेस का जूस निकाला है। अगर आपके पास बड़े हैं तो 2 ले लें जूस ऑरेंज का, और अगर छोटे हैं तो 3 ऑरेंज का जूस ले लें आप। बिल्कुल रियल जूस है ये, टैंग वगैरह नहीं है। ऑरेंज का मौसम है तो इसका फ़ायदा उठाएं आप लोग, और एनर्जेटिक सा और ख़ास तौर से विटामिन सी, इम्यूनिटी बढ़ाए आप लोगों की। ये मैंने ऑरेंज भी डाला है, कद्दूकश कर लें इसके छिलके को आप आराम से। इसकी वीडियो हो गई है स्किप। अब इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून में डालूंगी जर्दे का रंग, जो होता है जर्दे का रंग फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर, वो डाल दें। अब इसको मैं देखें इसमें डालूंगी स्कूप की मदद से, 1 स्कूप में डालूंगी कपकेक्स के सांचे में। और मैं इसको बना रही हूँ गैस के ओवन में। मैंने इसमें पहले से गैस के ओवन को प्री हीट कर लिया है और उसमें मैंने रख दिया है पानी, ताकि ये मॉइस्चराइजिंग इसकी अच्छी रहे, बरकरार रहे कपकेक्स की, क्योंकि ओवन के एक ओवन में इसकी सख्त से हो जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे और बहुत नरम से केक बनेंगे। आज मैं इनको ख़ास तौर से इसीलिए गैस के ओवन में बनाऊँगी, तो उसमें ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और इसको टैप कर लेंगे हम, ताकि बिल्कुल सही से इसकी शेप आए। अब इसकी मैंने ये व्हिपिंग क्रीम को व्हिप कर लिया है। व्हिप क्रीम जो होती है उसको आप व्हिप कर इससे बीटर की मदद से बीट कर लिया है, और ये देखें व्हिप हो गई है ये अच्छी तरह से। उसमें भी थोड़ा सा जर्दे का रंग डाला। ये केक मेरे बन के तैयार हैं, कितने सॉफ्ट और ऑरेंज से मज़ेदार से केक तैयार हैं ये देखें। अब मैं इसको नोज़ल की मदद से कट करूँगी थोड़ा बीच में से, ताकि इसके अंदर भी क्रीम चली जाए हमारी। ये देखें कितना ज़बरदस्त कट गया। अब हम इसको पाइपिंग बैग में रख लेंगे क्रीम को, जो हमने व्हिप क्रीम ली थी, और इसको मैं ये देखें इस तरह इसकी शेप ये बंद कर दूँगी इसको, और इसके ऊपर इस तरह हम जिस भी शेप में आपको चाहिए आप नोज़ल अपना ये अपना लगा सकते हैं, और व्हिप क्रीम इस पर लगा दें। बहुत मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त केक बनते हैं ये, आप लोगों को यकीनन पसंद आएंगे, बहुत ही मज़ेदार हैं ये। और ख़ास तौर से आजकल विटामिन सी की ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इस पे मैं थोड़े से ऑरेंज जूस लगा दूँगी, स्प्रिंकल कर दूँगी। ये देखें जूस मैंने रखे हुए थे। अब ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे कपकेक तैयार हैं, बिल्कुल फ्री रेडी हैं ये। आप इनको फ्रिज में रखें और ज़बरदस्त से अपने बच्चों को भी दें और ख़ुद भी खाएं विटामिन सी।